NewsClick is privileged to have with us Dr. Satish Prakash, who is a Dalit intellectual, associate professor physics at Meerut College, Meerut. He has joined us to talk about Dalit politics, its evolution in its new form. Let me start from here. Do you think that there is any chance of evolution of Dalit politics in the backdrop of downfall of Mayawati and sudden rise of Bhim Army and people like Jignesh Mewani and others? नहीं, देखो ऐसा है ना कि दलित पॉलिटिक्स वो जो आप परिणाम देख रहे हैं, जो भी आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी चार बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, वो एक दलित पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन दलित पॉलिटिक्स वो ऐसा नहीं हो सकता कि दलित पॉलिटिक्स बीएसपी के आने के से पहले दलित पॉलिटिक्स नहीं थी. दलित पॉलिटिक्स जब से देश आज़ाद हुआ है तब से दलित जो है एक जो भारतीय राजनीति का जो है हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. और ये दलित पॉलिटिक्स जो है वो एक या दो दिन का किसी आंदोलन का परिणाम नहीं है. पिछले 100-150 साल से जो दलितों का मूवमेंट चला रहा है वो ज्योतिबा फूले जी से, जो 1850 के आसपास जो एक बड़े रूप में यहाँ पनपा है, उसके बाद बाबा साहब का संरक्षण उसको मिला है. तो दलित पॉलिटिक्स जो है उसकी गति तो धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन दलित पॉलिटिक्स इस देश से कभी ख़त्म नहीं हो सकती है. तो वो जो एक दलित पॉलिटिक्स के अंदर जो एक एग्रेशन की ज़रूरत है, वो एग्रेशन क्या इन लीडर्स में जो मायावती थी, रामविलास पासवान हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब वो एग्रेशन कम हुआ है तो जो दलित कम्युनिटी है, इनके लोग हैं, ये उस एग्रेशन को चंद्रशेखर के, भीम आर्मी के चंद्रशेखर के पास देखते हैं, जिग्नेश के पास देखते हैं, तो वहाँ से क्या ये फिर से फ्लोरिश हो सकती है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखो ऐसा है ना कि जो एग्रेशन है दलित पॉलिटिक्स में, उसमें एग्रेशन बड़ा महत्वपूर्ण कारक है. दलित जो है वो जीवन भर हमेशा दूसरे के एग्रेशन का शिकार रहते हैं, तो अपनी उस कमी को वो अपने लीडर में खोजते हैं. तो दलित पॉलिटिक्स में दलितों की पॉलिटिक्स सिर्फ वही लीडर करेगा जिसमें एग्रेशन होगा, चाहे पासवान जी हों. पासवान जी जब तक एग्रेसिव हैं तब तक वो दलितों के एक बहुत बड़े लीडर बन के उभरे. जो दलित सेना उन्होंने बनाई है, उस दलित सेना का सीधा सीधा नारा था कि दलितों टीवी बेचो, बंदूक खरीदो. इसका इंडिकेशन है कि आप जो है दलितों को अपने जो जो मतलब जो 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 मनोरंजन के साधन है उससे ज़्यादा जरूरी उसके लिए अपने सुरक्षा के साधन खरीदने के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया. तो ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स को शो करता है. उसके बाद बीएसपी जैसे जैसे आगे बढ़ी है, उस पूरी बीएसपी के आगे बढ़ने में जो बहन जी हैं उनका एग्रेसिव व्यवहार है, उन्होंने एग्रेसिव पॉलिटिक्स ने उसको आगे बढ़ाया. इनसे पहले भी है 60s में इस नॉर्दर्न इंडिया में एक बीपी मौर्य एक बहुत एग्रेसिव लीडर हैं. उनका एग्रेशन जब तक आगे बढ़ता रहा दलित उनके आसपास रहा, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर एग्रेशन खत्म हुआ वो दलित पॉलिटिक्स से दूर हुए. जैसे जैसे पासवान जी का एग्रेशन खत्म हुआ ऐसी पासवान जी भी दलित पॉलिटिक्स से दूर हुए. अठावले जी का भी व्यवहार लगभग इसी तरह का है. अब बहन जी का जो है, जो बीएसपी की जो पॉलिटिक्स है, बीएसपी की पॉलिटिक्स में अब बहन जी का जो एग्रेशन है, मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि बहन जी को एग्रेसिव बने ही रहना पड़ेगा. अगर उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स रहेगी, दलितों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उनके विधायक चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते, उनको एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है. वो सफलता असफलता तो आप बाद में डिसाइड करेंगे, विधायक बनना या बनना ये भी बात की चीज़ है, लेकिन सबसे पहला काम यह है कि उनको ऐसे लीडर की आवश्यकता है कि जो उनके अधिकारों की जो है मजबूती से बात कर सके. आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि मायावती हैज़ लॉस्ट द ग्राउंड कम्प्लीटली? जैसे हम लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन, यूपी असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देखें, एक लार्ज चंक दलित वोट का बीजेपी के फेवर में गया, स्पेशली जाटा वोटर्स, वाल्मीकि वोटर्स, वो उन्होंने बीजेपी को प्रेफर किया. तो ऐसा नहीं लगता है कि मायावती की जो ओवरऑल कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसको उनकी कम्युनिटी के लोग खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं और वो अब किसी नए अल्टरनेटिव की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखो ऐसा है ना, ये मीडिया की बनी बनाई बातें हैं. आप मुझे ये बताइए कि ऐसे वो क्या कारण है या बीजेपी के अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं कि एक जाटा उसको वोट देगा
या बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि दलित उसको वोट दे? दलितों का प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल अभी लोकसभा में कांग्रेस के टाइम से राज्यसभा में पास होकर के वो विधान लोकसभा में भी अटका हुआ है। अब मोदी जी जो हैं रोज़ बाबा साहब का नाम लेते हैं, अब भीम ऐप की बात करते हैं, बहुत बहुत बात बड़े बड़े वादे करते हैं दलितों के साथ, तो अगर उनको वास्तव में अगर वो दलितों की वोट लेना चाहते हैं तो उनको दलितों का जो एक प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल लोकसभा में अटका है उसको पास करें। दूसरी बात कि ये जो है इस तरह का जो कंपेनिंग शुरू कर रही है मीडिया वो कि दलितों ने वोट बीजेपी को दिया, अगर बीएसपी का वोट और परसेंटेज अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में 19% है और इससे पहली वाली लोकसभा में जो बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो 20.5% है, तो उसमें 1% का चेंज है। और अगर विधानसभा के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ भी 23% वोट बीएसपी ले रही है, तो बीएसपी के जो 23% वोट हैं वो दलितों के वोट नहीं तो किसके वोट हैं? उसमें और लोगों के वोट भी हैं लेकिन दलितों के वोट तो पूर्ण रूप से बीएसपी के पास है ना। अब बीजेपी के लोग इसमें एक भ्रांति फैलाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दलितों के बीच में से बीएसपी को ख़त्म करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि कल दलित जो है उसकी तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि दलितों का जो सोशल मूवमेंट है वो मूवमेंट उनको ना कांग्रेस की तरफ जाने देगा ना बीएसपी की तरफ, मतलब ना कांग्रेस की तरफ जाने देगा ना बीजेपी की तरफ जानेगा। वो दलितों का मूवमेंट इस ग्राउंड के ऊपर खड़ा है कि उनके अंदर से ही कोई लीडरशिप रहेगी। वो मायावती जी भी हो सकती हैं अगर मायावती जी काम करेंगी, अगर मायावती जी अग्रेसिव रूप रखेंगी तो निश्चित रूप से आज भी कल भी दलित उनके साथ था और आज भी उनके दलित साथ है। बस उनको जरूरत है कि उनका एग्रेसिव तरीका उनके पास रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भीम आर्मी को जिस तरीके से जो भीम आर्मी आई है उसमें भीम आर्मी को लोगों ने हिंसक ग्रुप के रूप में रखा कि वो एक हिंसक ग्रुप है, लेकिन उसमें एक उनकी दलितों की एक भावना ही भी दिलाई दे रही है। वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है सहारनपुर में, उन अत्याचार के खिलाफ अगर दलितों के पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल पा रहे और वहाँ भीम आर्मी बोल रही है तो उसके तरफ दलित क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल भी। जो दलितों के मान सम्मान की बात करेगा उसमें चाहे भीम आर्मी हो या कोई और आर्मी हो या दलितों का कोई और लीडर हो, जो भी दलितों के हित की बात करेगा दलित निश्चित रूप से एक आशा की नज़र से उसकी तरफ देखेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भीम आर्मी का एक्सेप्टेंस अब बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा हो रहा है? जो सहारनपुर की घटना हुई या जो जिस तरह से भीम आर्मी उभर के सामने आई, मायावती ने अपने को किनारा कर लिया उससे? नहीं, मायावती जी ने उसको किनारा नहीं किया। सब्बीरपुर में बहन, मैं खुद उस दौरे में गया, बहन जी ने उस दौरे को किया और बाकायदा सड़क मार्ग से वो गई और लोगों ने जिस तरह का प्यार देखा, उस दिन बड़ी धूप थी लेकिन जगह जगह जो ग्रुप्स हैं, आप गाजियाबाद से लेकर के जब उन्होंने वहाँ से एंटर किया यूपी गेट से, तो आप देखेंगे कि जगह जगह लोगों ने सड़कों के ऊपर बहन जी को किस रूप में स्वीकार किया। उन्होंने आज भी उन्होंने ये शो किया कि आज भी हमारी लीडर बहन जी ही हैं। मेरे हिसाब से भीम आर्मी एक, आप उसको एक पॉलिटिकल विकल्प के रूप में ना देखें, वो एक दलितों का एक सामाजिक जो हिंसा उनके खिलाफ फैल रही थी उस हिंसा के खिलाफ उनका वो एग्रेशन है, उसको उन्होंने दलितों के उस माहौल में जब दलितों की दलित पॉलिटिक्स चुप है, सहारनपुर में किस दलित ने क्या स्टेटमेंट दिया? एक भीम आर्मी एक ग्रुप है वो ठीक है वो काम कर रहा है लेकिन उसके तरफ लोग इसलिए मजबूर हुए कि जब उनकी लीडरशिप वहाँ कमजोर पड़ रही थी। आपने एक बात कही, एक ऑल्टरनेटिव की, एक दलित पॉलिटिक्स में एग्रेसिव ऑल्टरनेटिव की बात की, कौन वो कौन सा लीडर अभी आपको दिख रहा है जो उस ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभर के सामने आ देखो रहा? अभी तो आप यूपी नहीं पूरे देश की पॉलिटिक्स देखेंगे, अभी तो उस जगह जो बहन जी ही हैं वो उसको फुलफिल कर रही हैं, लेकिन समय के साथ साथ देखिए बीएसपी को अपनी बहुत सारी रणनीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उनको चूंकि जो दलित सत्ता का चार बार उपभोग कर चुका है वो उसको बहुत समय तक आप सत्ता से दूर नहीं रख सकते। सत्ता की जो चाह है, सत्ता की जो आशा है, वो उसको निश्चित रूप से ये उसको मजबूर करेगी कि वो ऐसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने कि जो पॉलिटिक्स उसको सत्ता की तरफ ले करके जाए। लेकिन आज भी इस पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश का दलित जो है वो मायावती जी के आसपास ही खड़ा है। अब ये मायावती जी को डिसाइड करना है कि वो इस ताकत को जो है वो सत्ता में किस तरीके से बदलती हैं, ये जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल लोगों की है ना। फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या ये
दलित पॉलिटिक्स गांधीवाद को छोड़ के ऊपर बढ़ सकती है? नहीं नहीं गांधी देखो सुनो, दलित गांधीवाद देखो दलित पॉलिटिक्स में गांधीवाद भी है ना, लेकिन वहाँ कभी भी दलितों ने गांधीवाद को स्वीकार नहीं किया। वो बाबा साहब की विचारधारा पर पूर्णतः आधारित है और गांधीवाद की तरफ ना जाने के उसके अपने बहुत सारे कारण हैं। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ बाबा साहब और गांधी जी के बीच में, वहाँ से दलित जो है वो गांधीवाद से हटा है। चूँकि ये भी एक मतलब ये भी इतिहास का एक कटु सत्य है कि गांधी जी ने जितने आंदोलन किए हैं और जितने आमरण अनशन किए हैं उसमें पूना पैक्ट को छोड़ करके उन्होंने सारे आमरण अनशन अपनी मांग को मनवाने से पहले ख़त्म किए हैं। लेकिन गांधी जी की ये मेरे लिए बड़ा एक मतलब एक सोच का विषय है कि गांधी जी जैसे व्यक्ति ने एक कमज़ोर तबके की आवाज़ को दबाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की है। इससे पहले उन्होंने हमेशा अपने आंदोलन को वापस लिया है, लेकिन आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो हजारों साल से उत्पीड़न के खिलाफ हैं और गांधी जी खुद उनके साथ खड़े होते हैं, तो आखिर गांधी जी की वो क्या मजबूरी है कि उन्होंने अपने प्राणों की पूरी ताकत लगा दी और ज़बरदस्ती दलितों को मजबूर किया पूना पैक्ट मानने के लिए। और वो पूना पैक्ट का होना ही दलित जो है पूरे आंदोलन को गांधीवाद से दूर करता है और बाबा साहब की विचारधारा की तरफ लेकर के जाता है। दलित पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो भी दलित अपनी आवाज़ को मजबूती से रखेगा, उसको राजनीतिक ना समझ करके उसको सिर्फ अपनी बात मजबूती से रखनी है, निश्चित रूप से दलित उसको स्वीकार करेंगे। और जब दलित उसको स्वीकार करेंगे, बाकी की जो पॉलिटिक्स है या बाकी का जो आबादी का जो ग्रुप है वो उसको तब स्वीकार करेगा कि जब वो खुद की ताकत पैदा करेगा। सफलता ही लोगों को उसकी जो स्वीकार्यता है ना, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन की जो सहभागिता है, लोगों की सहभागिता, वो उसकी सफलता के ऊपर निर्भर करती है। दलित लीडर को भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी ताकत जो है जब तक उसके लोग उसको नहीं स्वीकारेंगे दूसरे लोग उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। BSP का घटना कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है कि BSP ने दूसरे लोगों को जोड़ने में जितनी ताकत लगाई है उतनी ताकत में उसको अपने जो दलितों के जो सब ग्रुप्स हैं, जैसे दलितों में वाल्मीकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो लगभग 5% पॉपुलेशन है, और जिस तरह की हंसा के जो जाटव हैं या और लोग हैं उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी कल्चर लगभग एक जैसी है। अभी कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया था कि वाल्मीकि जो है BSP को वोट नहीं देते, लेकिन BSP वो वोट देते हैं, उसमें वो वर्ग है जो बाबा साहब की विचारधारा को मानता है वो वोट देता है। लेकिन ये BSP की जिम्मेदारी है, ये दलित मूवमेंट की जिम्मेदारी है कि जो लोग बाबा साहब की विचारधारा से अभी दूर हैं उनको बाबा साहब की विचारधारा में पारंगत करना पड़ेगा, उनको बाबा साहब की विचारधारा पे लाना पड़ेगा, तभी वो लोग आपके लिए कामयाब हो सकते हैं। 2 final questions सतीश जी, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन फिर से आएगा, उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक बिहार जैसा अलायंस बनाना चाहिए या नहीं? अगर ये हुआ तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, नहीं हुआ तो किस तरह से देखते हैं? अगर मान लिया जाए ये अलायंस फॉर्म हो जाता है तो एक कंसोलिडेशन के भी चांसेस हैं, उसकी काउंटर की क्या स्ट्रेटजी होगी? ये नंबर वन क्वेश्चन हमारा। और हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन कि क्या लाल सलाम और नील सलाम कैन गो हैंड इन हैंड? नहीं, देखो दोनों चीज़ें हैं। देखो पहला तो ये है कि जो लेफ्ट और राइट की जो पॉलिटिक्स, इससे पहले वाली बात, अच्छा इससे पहले वाली बात मैं आपको बता दूँ। देखिए बिहार में जो गठबंधन हुआ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि जो भी उसका अंत हुआ, क्योंकि वोट तो आपने किस विचारधारा के तहत आपने वोट मांगे और फिर आप कल कहाँ चले जाते हैं ये तो बाद की बात है। आगामी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का जो भी इलेक्शन होगा, आप उसको उत्तर प्रदेश में ही क्यों मान के चाहते हैं, पूरे देश में सपा हो, BSP हो या कांग्रेस हो, मेरे हिसाब से एज ए जो जो राजनीतिक हालात हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये उसका मोटा मोटा, उसका मोटा मोटा का मतलब ये है कि आपने पूरे प्रदेश की जो सीटें हैं अब उन सीटों को आपने मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि ये सपा की सीटें हैं, ये BSP की सीटें हैं, ये कांग्रेस की सीटें, इस तरह की पॉलिटिक्स को करके कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ अब लड़ नहीं सकती।
क्योंकि ये सीधा सीधा गणित है कि 40% और 60% की लड़ाई है, और इस 60% की लड़ाई में जो है आज की डेट में बीजेपी इन सभी दलों पर भारी पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि अगर मेरे को इस मतलब इसको एनालिसिस करने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को प्रदेश लेवल के ऊपर गठबंधन ना करके हर सीट के ऊपर गठबंधन करना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टियों को हर सीट को एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसमें सीटें की 10 सीटें किसी एक ग्रुप को देना, 10 सीटें किसी और ग्रुप को देकर इस तरह की पॉलिटिक्स ना करके सब इलेक्शन लड़ें, स्ट्रेटेजी के तहत इलेक्शन लड़ें, और हर सीट को एक ये मान करके, हर सीट को एक यूनिट मान करके वहाँ पे स्ट्रेटेजी के तहत जो है उम्मीदवार डिसाइड किया जाए। क्योंकि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन होगा इस देश में, या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, वो रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रही है। इस तरह के पोलराइजेशन को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है कि सब पार्टी इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन हर सीट के ऊपर उनका एक समझौता होगा। इस तरह की पॉलिटिक्स ही इसको बचा सकती है। हाँ, लाल साल देखो, इसमें देखो, मेरा ये मेरे लिए बड़ा मतलब एक मेरे लिए खुद जो है एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मुझे खुद ढूंढना वाड़ी पड़ जाता है कि आखिर कम्युनिज्म में जो है मतलब ऐसे क्या कारण रहे कि देश में सारी परिस्थितियाँ जो मार्क्सवाद है उसके पनपने के सारे कारण यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण है कि इस देश में जो है मार्क्सवाद नहीं पनप पाया। ठीक है ना, यूरोप में सिर्फ दो ही कारण है, वहाँ एक 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 धनी वर्ग है और एक गरीब आदमी है, और यहाँ इस देश में धनी वर्ग भी है, गरीब भी है, वो विभिन्न धर्मों के आधार पर बटा हुआ है, वो विभिन्न जातियों के आधार पर बटा हुआ है, वो क्षेत्रवाद भी यहाँ है। तो जब सारे वाद यहाँ उपस्थित हैं तो इन वाद में इतने सारा जो मतलब इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ जहाँ मार्क्सवाद को पनपना चाहिए, आखिर वे कौन से कारण हैं कि यहाँ मार्क्सवाद क्यों नहीं पनप पाया। उसमें निश्चित रूप से कि उसमें जो मार्क्सवाद की जो पॉलिटिक्स है उस पर हमेशा उन वर्गों का हिस्सा रहा कि जिसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं, जिसके खिलाफ मार्क्सवाद पनपता है, उन लोगों उसकी जो की ग्रुप्स हैं, जो उसके की पोस्टें हैं, जो उसका संगठन है, उसके ऊपर हमेशा उन लोगों का कब्जा है कि जिन लोगों के खिलाफ वो ग्रुप पनप रहा था। और नीला सलाम और लाल सलाम की तो निश्चित रूप से एक दर्द का रिश्ता है, और इस देश में दलितों के लिए बड़े ये खुशी की बात है कि बाबा साहब की विचारधारा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, नीला सलाम भी होगा और लाल सलाम भी होगा। और नीला सलाम मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये रोहित वोमुला के, जब ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक आर्टिकल लिखा था कि अब दलितों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हैदराबाद से चली नीली क्रांति एक्सप्रेस JNU तक कैसे कैसे जो है वो लाल क्रांति में बदल गई। तो अगर ये परिवर्तन जो है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अगर अच्छे मूवमेंट के लिए परिवर्तन हो रहा है तो ये ठीक है, और सिर्फ कहने के लिए परिवर्तन हो रहा तो मेरे हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्य की। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट फॉर टॉकिंग टू अस।